नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेफ्टोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आशा है आप सबको हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे होंगे। हमारे प्रोग्राम्स वेद पुराण महाभारत को हम लोग छोड़ कभी भी छोड़ते नहीं है, एंड मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आर बिटवीन द पॉपुलर प्रोग्राम्स, जिसमें हम लोग डायरेक्टली शास्त्रों की बात करते हैं। और आज जैसे अगर आपने देखा होगा चंगेज खान वाला वीडियो कुसुमलता जी का, you will be shocked to know what information she has published. That's a real debunking mythology. और उसके बीच में हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं कि किस तरह भगवान विष्णु की जो अर्च विग्रह है उसका कैसे सिलेक्शन करें, उसको अगर बनाना चाहते हैं तो क्यों कैसे बनाए, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। और फ्यूचर सीरीज में हम लोग तंत्र और बाकी तंत्र के विषयों पर भी फोकस करेंगे, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पे लेकर आए हैं कि स्वतंत्र भारत में हिंदू धर्म शक्तिहीन क्यों। ये टाइटल प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने दिया है। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। नमस्ते एंड वेलकम टू द शो रामेश्वर जी। नमस्कार आदित्य जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यू आर वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द शो। आपके वीडियोस लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी रामेश्वर जी की नई पुस्तक भी आई थी और लोगों ने देखा होगा वो पुस्तक, और वो पुस्तक जरूर आप लोग खरीदे प्रभात प्रकाशन से। सो रामेश्वर जी पहले ऐतिहासिक दृष्टि से बताइए कि क्यों हिंदू धर्म शक्तिहीन क्यों दिखता है, और मैं अगर दूसरे देशों से कंपेयर करूं कि कैथोलिक कंट्रीज रशिया और जितने भी कंट्रीज है, चाहे ऑर्थोडॉक्सी हो या क्रिश्चियन कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हो, वहां पे उनका धर्म इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब सेकंड है। भारतीय एक ऐसा देश है जहां पे हिंदुओं को भारतीय गवर्नमेंट से, मतलब आज की गवर्नमेंट थोड़ा छोड़ दें, हिंदुओं को बाकी सारी गवर्नमेंट्स, आप देख ही सकते हैं कितना एंटी हिंदू बात की जाती है डीएमके और कांग्रेस के द्वारा, बट फिर भी कितना भी कर रहे लेकिन हिंदू शक्तिहीन दिखता है ऑन द ग्राउंड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सत्ताला जी के। सभी व्यूअर्स को बहुत ही नमस्कार और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा के लिए आपका आभार। अब देखिए, जो हिंदू दर्शन की दृष्टि है उसमें पहला तो इसका दार्शनिक उत्तर होगा कि भाई ये काल प्रवाह है, चलता रहता है उतार चढ़ाव। लेकिन काल प्रवाह भी क्या है? तो काल प्रवाह जो है वो जो क्रिया समूह के प्रवाह से जो फल का प्रवाह चलता है, यानी हम लोग जो मनुष्य जिस प्रकार के एक्शंस करते हैं, क्रिया समूहों का जो प्रवाह है उसका जो फल प्रवाह है, परिणाम प्रवाह है, उसके जो रिजल्ट है, हमारे कामों का जो परिणाम है, उसी को काल प्रवाह कह देते हैं। तो इसलिए मानवीय बुद्धि में जितना संभव है उतनी दूर तक कौन से एक्शन ऐसे हुए हैं जिसके कारण आज हिंदू धर्म जो भारत में अनादिकाल से, हजारों साल से या लाखों वर्षों से, जब से देखें, बहुत शक्तिशाली था, डिसाइसिव था, निर्णायक था, केंद्र में था, धर्म को लेकर ही यहाँ सारे निर्णय होते थे, धर्म ही हिंदुओं के जीवन का केंद्र रहा है, ऐसे हिंदू समाज में धर्म आज शक्तिहीन क्यों हो गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ बस एक छोटा सा संशोधन है, आपने कहा कि मुस्लिम और ईसाई देशों में उनका धर्म शक्तिशाली है, तो जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं वो धर्म नहीं है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वो रिलीजन और मजहब है। धर्म वो होता है जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, तो संपूर्ण मनुष्यों के लिए है वो धर्म। इस्लाम तो केवल मुसलमानों के लिए है, गैर मुसलमानों की उसमें कोई जगह नहीं है, और क्रिश्चियनिटी केवल क्रिश्चियंस के लिए है, नॉन क्रिश्चियंस के लिए उसमें कोई समान और सम्मानपूर्ण जगह नहीं है, इसलिए वो धर्म नहीं है। अब हम लोग मुख्यतः हिंदू धर्म की बात करेंगे जो हजारों साल से हिंदू समाज के जीवन के केंद्र में रहा है। महाभारत में भी हम देखते हैं कि धर्म ही मुख्य है, त्रेता युग में भी धर्म ही मुख्य है, तो आज ये केंद्र में क्यों नहीं है इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि ये धर्म की साधना चलती रहती है, कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। किसी समय जिसे जब हिंदुओं से कुछ लोग मुसलमान बने तो राज्य के लालच में और मनमानी भोग के लालच में बने, क्योंकि भारत में बाहर से कोई मुसलमान नहीं आया है, तो जो जो लोग भी मुसलमान बने हिंदुओं में से वो क्यों बने? लोभ में।
भोग के लोग में कि मनमानी भोग करने को मिलेगा, हिंदू राजा के ऊपर धर्म का नियंत्रण रहता है, उस समय जो अभिषेक भी होता है तो कहते हैं धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, तुम धर्म के द्वारा दंड नहीं हो, और राजा स्वीकार करता है धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, हाँ मैं धर्म का दंड स्वीकार करता हूँ, धर्म के अनुशासन में रहूंगा। तो ये जो लोग ज्यादा भोगी विलासी या लंपट है उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सोचा ये हिंदू बनने में बड़ी दिक्कत है, मुसलमान बन जाओ। अच्छा वो बन गए, लेकिन बहुत से राजा, राजपूत राजा और दूसरे हिंदू राजा, वो ऐसे थे कि घर में तो वो धर्म पूजा पाठ देवी देवताओं की उपासना सब करते थे, लेकिन अपने राज्य का विस्तार चाहते थे, और अपने राज्य का विस्तार तो हर राजा को चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने विवेक खो दिया कि राज्य का विस्तार किस सीमा तक करें, किस कीमत पर करें, क्या ऐसे पापी पिशाच नास्तिक दुष्ट सबसे करना होगा, तो ये विवेक खो दिया। इसलिए आप देखिए भारत में हिंदुओं से मुसलमानों की लड़ाई केवल एक तरफ हिंदू हो और दूसरी तरफ केवल मुसलमान हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, तो मुसलमानों के साथ भी बहुत से हिंदू थे, इसलिए वो हिंदू हिंदू की लड़ाई ज्यादा रही। तो ये एक रहा। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि सारे राजपूतों ने राजस्थान में जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर अपना राज्य तो बचा लिया, अपना राज्य अच्छी तरह बचा लिया, वहां तो कोई मुस्लिम शासन नहीं हुआ, जयपुर में कभी मुस्लिम शासन नहीं हुआ, जोधपुर में मुस्लिम शासन नहीं हुआ, बीकानेर में मुस्लिम शासन नहीं हुआ, जैसलमेर में मुस्लिम शासन नहीं हुआ, मारवाड़ में मेवाड़ में कभी भी मुस्लिम शासन नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगह वो जो दिल्ली के सुल्तान होते थे, दिल्ली के राजा या नवाब होते थे, अपने को मुसलमान कहते थे, हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, दोगले थे, लेकिन उनका सहयोग दिया। यहाँ तक कि औरंगजेब जो महापापी था उसका भी साथ राठौर ने दिया, महाराज जसवंत सिंह ने दिया, और जयपुर घराने के जोधपुर घराने के राजपूतों ने औरंगजेब तक का साथ दिया। ये अलग बात है कि फिर जो हिंदू राज्य थे, चाहे वो चोलों के हों, सातवाहनों के हों, दक्षिण में पांड्यों के हों, मैसूर विजयनगर साम्राज्य हो, ये धीरे धीरे ऊपर आया, और एक समय तो पेशवाओं का सारे लगभग सारे भारत में राज्य हो गया, जो लोग स्वतंत्र राज्य थे उन्होंने पेशवाओं की अधीनता स्वीकार कर ली। उसी बीच अंग्रेज आए। अब ये जो अंग्रेज आए तो वो जो उन्होंने अमेरिका में और अफ्रीका में सोना चांदी लूटा था उसके एवज में भारत से काले मसाले, क्योंकि उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं था, कच्चा मांस खाते थे, मसाले तो भारत में ही थे, उस समय का भारत बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान और अजरबैजान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान ये सब भारत का ही अंग थे, तो यहाँ सब जो मसाले और मेवे होते थे वो तो यूरोप में जो अभिजात लोगों को संभ्रांत लोगों को मिले तो उनकी तो लाज टपकने लगी, और खासतौर से यहाँ का जो कपड़ा, जो यहाँ का सूती कपड़ा कॉटन और यहाँ का रेशमी कपड़ा और यहाँ के ऊनी कपड़े भी जितने सोफिस्टिकेटेड थे, तो इसकी जब वो लोग धन लूट के लाए, सोना चांदी लूट के लाए, तो उस सोने चांदी के बदले में भारत का माल खरीदने लगे, सबसे ज्यादा तो वस्त्र खरीदा, बहुत ही सुंदर वस्त्र, जीवन में कभी यूरोप के लोगों ने ऐसे सुंदर कपड़े देखे ही नहीं थे, न रेशमी न सूती, ऊनी कपड़े भी उनके बड़े मोटे और भद्दे होते थे, तो सुंदर कपड़े और मसाले खरीदने के लिए सारा सोना चांदी ले आए। तो यहाँ के लोगों में भी जो व्यापारी भी थे और जो राजा भी थे उनको धन का लोभ बढ़ा, बहुत से राज्य उस समय बहुत धनी हुए, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य, त्रावणकोर कोचीन का आप लोगों ने जो देखा होगा कितना ज्यादा धन आया, तो वो धन ब्रिटिश पीरियड में सबसे अधिक आया, क्यों, दक्षिण भारत से जो मसाले ले जाते थे और साथ ही और हाथी दांत की बनी चीजें और बहुत कीमती चीजें ले जाते थे, चंदन ले जाते थे, वो सब इतना महंगा था कि जो उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका में सोना चांदी लूटा था सब त्रावणकोर को चीन को दे दिया, मैसूर को दे दिया, भारत के राज्यों को दे दिया। तो इस धन लोभ में देखने में तो वो बिजनेस करते थे, लेकिन यूरोप के जितने चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे डच हों, चाहे फ्रेंच हों, चाहे स्पेनिश हों, चाहे पुर्तगीज हों, इनको एक रोग था, वो था चर्चियनिटी का रोग। वो जो मनुष्य जीवन के सामान्य नियम होते हैं, कृतज्ञता ग्रेटफुलनेस, वो उनमें नहीं थी।
यहाँ के व्यापारियों से मदद लेते थे, रिश्ता बनाते थे, मीठा मीठा बोलते थे और मौका लगने पर उनको धोखा देते थे और उनका धर्म बिगाड़ने की कोशिश करते थे। फिर उन्होंने जल्दी देख लिया कि यहाँ हर समाज में फूट होती है, तो उन्होंने सोच के हिंदू समाज के जो सबसे नीच और चरित्रहीन लोग थे उनसे दोस्ती की कि जिससे कि यहाँ खोखला करो समाज को। वारन हेस्टिंग्स का मुकदमा पुस्तक के रूप में छपा है, उस पर स्वयं इंग्लैंड की संसद में यह अभियोग लगाया गया कि इसने भारत के नीचतम लोगों को साथ लिया। तो इसी तरह के नृशंस और नीच लोगों के जरिए उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और धन के लोभ में भारत के लोग उनका साथ देते गए, तो ये एक गड़बड़ी आई। इससे क्या हुआ कि इस धर्म के प्रति पूजा पाठ के स्तर पर निजी जीवन में अपना पवित्र रखा, भारत के राजा सत्यनिष्ठ थे, बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय थे, सदाचारी थे, कोई कोई गड़बड़ भी थे लेकिन उनको अच्छा नहीं कहा जाता था, अगर गड़बड़ है तो जनता भी गड़बड़ कहती थी, लेकिन उनके मन में ये लोभ आ गया कि ये ब्रिटिश शासन बड़ा शक्तिशाली है और झूठा प्रोपेगेंडा भी हुआ कि ये दुनिया भर में शक्तिशाली है, सरासर झूठा, लेकिन वो उसके प्रभाव में आ गए कि ये भी कोई हमारी तरह के अच्छे राजा हैं, इनसे संधि करो। और यहाँ हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमान नवाबों ने अंग्रेजों से संधि की और मुसलमान बहुत से जिन्होंने अत्याचार किया था उनके विरुद्ध हिंदू राजाओं ने संधि की, और हिंदुओं में भी सिख जो है, सिखों ने सोचा कि हमको मुसलमानों से दबना नहीं पड़े तो उन्होंने अंग्रेजों से साथ कर दिया, गुरखों ने साथ कर दिया, कुछ मराठों ने भी अंग्रेजों से संधि की। तो इस तरह से अंग्रेजों से, ब्रिटिश राज से संधि की भारतीय राजाओं ने। अब इसमें संधि में इंग्लैंड ने साफ साफ कहा कि हम अपनी ईसाइयत यहां नहीं थोपेंगे, जैसे इंग्लैंड में हमने ईसाइयत चला रखी है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी चला रखी है, वो भारत में नहीं चलाएंगे, चलाया भी नहीं, लेकिन छिप छिप के प्रचार करते रहे। सबसे बड़ा प्रचार है कि कांग्रेस शिक्षा के द्वारा प्रचार किया। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश ढांचे के स्टेट से भारत के हिंदू राजा बहुत आकर्षित हुए, क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति बहुत थी, जो भारतीय राजा थे उनको बहुत से कर्तव्य ड्यूटी बहुत थी, कर्तव्य बहुत था और सदाचार बहुत था, तो उनके मन में विलासिता की इच्छा जगी, तो उन्होंने ब्रिटिश स्टेट का संबंध शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि हिंदू राजाओं को हिंदू राज्य की व्यवस्था फीकी लगने लगी, क्यों? क्यों इसमें उतने अधिकार नहीं है, इसमें समाज का, लोक का, जनता का, प्रजा का अधिक अधिकार है, आपको धर्म के अनुशासन में रहना है, आप अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकते। तो ये इसी को कहते हैं समाज में पाप का भाव जब बढ़ता है, तो राजाओं के मन में धर्म भी था लेकिन थोड़ा सा ये पाप भी आ गया कि अरे जरा ज्यादा आराम कर लो, तो इन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की। उसके कारण 1857 में पहली बार भारतीय राजाओं से संधि करके ब्रिटिश स्टेट भारत में, आधे भारत में आया। फिर आधे भारत में 525 से अधिक रियासतें रहीं, कुल तो 725 रहीं लेकिन 525 अच्छी खासी रियासतें थीं, जिनमें लगभग 100 राज्य तो बड़े बड़े थे, कुछ राज्य तो इंग्लैंड के बराबर थे और कुछ आबादी में इंग्लैंड के बराबर नहीं थे लेकिन शक्ति में बड़ौदा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, ये सब राज्य बहुत शक्तिशाली थे, और जो पेशवाओं का राज्य था वो तो बहुत शक्तिशाली था, उसको छल से कुचला इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो ये जो द्वंद्व चल रहा था इसमें बहुत जल्दी अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि यहाँ लंबा शासन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कुछ ऑटोनॉमी देने की बात की और उसके लिए कोशिश करने लगे कि भारत में हमारे मित्र हों। अब इसमें जो बताना आवश्यक है वो इसलिए कि जिसमें दूर तक समझ है, दूरदर्शिता है, राजनीतिक दृष्टि है, तो संयोग की बात है कि उस समय इंग्लैंड के शासकों में अधिक दूरदृष्टि थी, दूर तक देखने का था, वो सारी दुनिया में फल प्रपंच कर रहे थे, तो भारत में भी उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। अब कांग्रेस को उन्होंने कहा तो ये कि भारतीय लोगों की पार्टी है, लेकिन भारतीय लोगों की पार्टी तो वो कभी नहीं बनी। देखिए 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई, तो 1885 में ही, यानी 1885 में जो पहला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना वो क्रिश्चियन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद दूसरा अध्यक्ष बना दादा भाई नौरोजी, जो पारसी था। इसके बाद तीसरे अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो मुसलमान थे। फिर चौथा अध्यक्ष जार्ज यूल बना, जो क्रिश्चियन भी था और ब्रिटिश भी था, विदेशी था।
फिर विलियम वेडरबर्न बने विदेशी ईसाई, फिर फिरोज शाह मेहता बने जो पारसी थे, यानी कोई हिंदू तो शासन में पहली बार 1891 में आनंद चालू अध्यक्ष हुए, लेकिन वो अंग्रेज भक्त हिंदू थे। इसके बाद फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नरोजी, इस तरह से लगातार या तो क्रिश्चियन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए या मुस्लिम और पारसी थोड़े थोड़े हुए कोई कोई देर देर में, और फिर बाद में ब्रिटिश हिंदू हुए, रमेश चंद्र दत्त हो, क्या है चंदावरकर हो, तो ये लोग जो हैं, और फिर बीच में सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, तो ये सब क्या हैं, ये हिंदू तो थे लेकिन ब्रह्म समाजी है कोई, और कोई हिंदू धर्म की जो मुख्य धारा है उसके सब आलोचक थे, उसको ही कांग्रेस में बनाया। फिर हेनरी कॉटन, गोपाल कृष्ण गोखले वैसे तो धर्मशास्त्रों के जानकार थे लेकिन उनको ब्रिटिश राज में बड़ी निष्ठा थी, इन्हीं सबको बनाया लगातार। रास बिहारी घोष को बनाया, बोस को नहीं, रास बिहारी बोस निष्ठावान हिंदू थे, रास बिहारी घोष ब्रिटिश अंग्रेजों के भक्त थे, ब्रह्म समाजी थे, तो सब ब्रह्म समाजियों को बनाया। यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और आज 2024 है, तो 140 वर्ष हो गए। इन 140 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का सनातन धर्म का अनुयायी, ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म के शास्त्रों को भी जानता हो, ऐसा पूरे 140 वर्ष में कांग्रेस का केवल एक अध्यक्ष हुआ है, महामना मदन मोहन मालवीय। तीन जो बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हुए जिनके पीछे हिंदू समाज था, वो है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक। लेकिन न तो कभी लोकमान्य तिलक अध्यक्ष बन पाए न बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय ने जब आर्य समाज को स्वीकार कर लिया, यानी जो हिंदुओं की मुख्य धारा है उससे हट गए, आर्य समाज क्या है, ये मार्जिनल धारा है हाशिए पर, जो हिंदुओं की मूर्ति पूजा, सुंदर देवी देवताओं का भव्य जो पूजा पाठ है और ज्ञान है, परंपरा है, शास्त्र है, उसकी निंदा करता है। तो जब वो आर्य समाजी हुए 1914 में, तो उनको जाके 20 में 6 साल बाद उनको बनने दिया अध्यक्ष। लेकिन फिर जब वो आर्य समाजी होने के बावजूद लाला लाजपत राय पूरे हिंदू समाज के नेता बन गए और उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की, तो जो मूर्ति पूजक सनातन धर्मी हिंदू है वो भी उनको बहुत मानते थे। जब इन्होंने, अंग्रेजों ने देखा कि अरे ये तो लाला लाजपत राय संपूर्ण हिंदू समाज के नेता हैं, तो साइमन कमीशन आया, उसका विरोध करने में पहले से पुलिस को ऐसे निर्देश थे कि लाठी ऐसे टाक के मारी कि लाला लाजपत राय उससे बहुत बुरी तरह घायल हुए और उसी चोट से कुछ समय बाद मर गए। यानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक, ये तीन जो दिग्गज नेता थे, इसमें दो को अध्यक्ष बनने नहीं दिया और एक को अध्यक्ष बनाया भी तो कुछ समय बाद मार डाला। तो इस प्रकार कांग्रेस में अंग्रेजों ने कभी भी सनातन धर्म का मुख्य धारा का प्रतिनिधि कोई अध्यक्ष नहीं बनने दिया। ऐसा व्यक्ति जो भागवत पढ़ता हो, पुराण पढ़ता हो, शास्त्र पढ़ता हो, संस्कृत व्याकरण पढ़ता हो, मुख्यतः संस्कृत शास्त्रों का जानकार हो, परंपरागत ज्ञान का जानकार हो, ऐसा 140 वर्षों में कांग्रेस में केवल एक अध्यक्ष आज तक हुआ है, उसका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। बाकी सब या तो ईसाई थे या पारसी थे या मुसलमान थे या ईसाई हिंदू थे या ब्रिटिश अंग्रेजों के भक्त हिंदू थे। तो ये इस तरह से चला। तो इस समझना चाहिए कि फिर कांग्रेस को उन्होंने इसीलिए पावर दी कि इसमें हमारे ही लोग हैं। उसमें भी सबसे अंत में क्या हुआ है, सबसे अंत में मालवीय जी के विरुद्ध भी जवाहरलाल नेहरू ने अभियान छेड़ दिया, इसी तरह उनको मार्जिनलाइज कर दिया, तो जिससे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक अपने को सीमित कर लिए और राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ब्रिटिश जो एजुकेशन एडवाइजर था बटलर, वो और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलकर ऐसा दबाव डाला कि वो हिंदू विश्वविद्यालय केवल नाम मात्र को रहा। धीरे धीरे उसमें यूरोपीय डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटीज में यूरोपीय शिक्षा ज्यादा पढ़ाई जाने लगी, यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन सोशल साइंस, यूरोपियन इकोनॉमिक्स, और थोड़ा सा हिंदू धर्मशास्त्र भी पढ़ाए जाते रहे, लेकिन वो हिंदू विश्वविद्यालय नहीं रह गया। महामना मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाई होगी,
उसका स्वयं ड्राफ्ट तैयार किया था कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों को हिंदू दृष्टि से पढ़ाया जाएगा, तो वो नहीं पढ़ाया। ये समझना चाहिए कि कदम कदम अंग्रेज एक निश्चित दिशा में अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ बढ़ते रहे, और जो पॉलिटी का लीडरशिप है, जो पॉलिटी का नेतृत्व है, उसको उन्होंने धीरे से बदल दिया धीरे धीरे। तो जो स्वदेशी नेता हैं, जो स्वदेशी बुद्धि के नेता हैं, वो कांग्रेस से बाहर हो गए धीरे धीरे, है ना। मालवीय सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उन्होंने जब जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेजों को आउटसाइडर एंड स्ट्रेंजर्स कह के भगाना चाहा, तो जर्मनी और जापान के साथ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस से लड़ने जाऊंगा, और अंग्रेज इससे खुश हो गए कि ये लड़ेगा तो क्या, इसको तो लड़ाई नहीं आती, लेकिन ये हमारा पक्का आदमी है, पक्का एजेंट है, और उनको जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाने का तय किया। जवाहरलाल ने ब्रिटिश संकेत पर जानबूझकर भारत के भीतर शत्रु राज्य बनने दिए, और इसमें गांधी जो है उनकी भूमिका सबसे अधिक आपत्तिजनक है। गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भाषा तो सनातन धर्म की बोलते थे, सदा धर्म राज्य धर्म यही बोलते थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक बोलते थे, जैसे लाला लाजपत राय बोलते थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल बोलते थे। गांधी जी ने लोकमान्य तिलक की भाषा दी, लेकिन चरित्र में अंग्रेजों का साथ दिया, और जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा भक्त था जवाहरलाल नेहरू, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए। तो इसमें गांधी जी सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ, धूर्त और छलपूर्ण नेता सिद्ध हुए, जिन्होंने जनता को ये भ्रम दिया कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, सब बातें वो कहीं जिससे जनसाधारण गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को धर्म की संस्था, धर्म का सम्मान करने वाली राजनीतिक संस्था समझे, लेकिन व्यवहार में उन्होंने एक नास्तिक और भौतिकतावादी सोशलिस्टों के ग्रुप को सत्ता सौंपी। तो इसमें सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ी कूटनीति गांधी जी ने की, और इसके बाद ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ में शिक्षा और मीडिया सहित सब चीजों पर टोटल कंट्रोल सोशलिस्ट टाइप का गवर्नमेंट का कर दिया, यानी शिक्षा क्या होगी ये सरकार तय करने लगी, उद्योग कौन सा होगा, व्यापार कैसे होगा, कोई फ्री बिजनेस नहीं, कोई फ्री इंडस्ट्री नहीं, कोई मीडिया नहीं, लोकतंत्र में जो जो होता है जवाहरलाल ने वो सब नष्ट कर दिया, केवल वोटिंग राइट दिए रहे, और लोगों को एजुकेशन और मीडिया के द्वारा, शिक्षा और संचार व्यवस्था के द्वारा हिंदुओं को सम्मोहन करते रहे, और मुसलमान और ईसाई नाराज ना हो इसलिए सरकारी खजाने से कुरान और हदीस पढ़ाने की व्यवस्था कर दी, और सरकारी खजाने से बाइबिल पढ़ाने की और कॉन्वेंट में शिक्षा की व्यवस्था कर दी। उस सरकारी खजाने से जो हिंदुओं के द्वारा 85% हिंदुओं के टैक्स का जिसमें था, उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस्लाम और ईसाइयत की शिक्षा दिलाई, और हिंदू धर्म को शिक्षा से बाहर कर दिया, साइंटिफिक टेम्पर और विज्ञान आदि कह के। तो धीरे धीरे उसने हिंदुओं का मन बदल दिया, पढ़े लिखे हिंदुओं का, और भारत में झूठ फैलाया। जैसे सारे संसार में युद्ध की तैयारी चल रही है लगातार 1947 से आज तक, इन्होंने भारत में हल्ला किया कि शांति की ओर दुनिया चल रही है, विश्व शांति, पंचशील, ये क्या था, जिससे भारत के लोग संसार के विषय में न जान पाए, शक्तिशाली होने की इच्छा न करें, और हिंदू समाज के विरुद्ध गांधी जी ने और सब लोगों ने एक ग्लानि फैलाई। अंग्रेज जो भी बात उछालते थे ये उसी को अपना मुद्दा बना देते थे। अंग्रेजों ने बिना किसी प्रमाण के कह दिया कि अनटचेबल बहुत अधिक है भारत में, जबकि रियल अनटचेबल जो पहला सेंसस हुआ उसमें 4% थे। मान लो आप 11% भी मानो, 14% भी मानो, तो 14% माइनॉरिटी है भाई संसार में। बाकी जगह जो बाहर फेंके गए लोग हैं, समाज के सताए हुए लोग हैं, इंग्लैंड में तो 85% थे, सदा थे सारे, संयुक्त राज्य में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वहां के स्वदेशी लोग थे उनको सबको आउटकास्ट कर दिया, सबको दूर कॉलोनियों में रहने को विवश कर दिया, बहुत अत्याचार किया। और भारत में जहां 4% अनटचेबल्स थे, वहां इन्होंने एक जाति, ऐसी जाति उसमें शामिल कर ली जो जातियां प्रतिष्ठित थी, उनको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया, तो भी 14% हुआ। 14% भी मेजोरिटी नहीं होता, फिर भी इसको बहुत बड़ा अन्याय दिखाया, और गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को ले लिया, अछूतोद्धारक नाम दे दिया, मतलब जिससे
ईसाई मिशनरियों के हिंदू समाज पर लगाए गए आरोपों को वैधिटी मिले, वैधता मिले। गांधी जी ने सदा जो मार्जिनल बुराइयां थी, जो संसार के हर समाज में होती हैं, तो जिनको आपस में हल कर लिया जाता है, उनको उन्होंने फोकस मिला दिया, केंद्र मिला दिया। तो ईसाई मिशनरी हिंदू समाज पर जो जो आरोप लगाते थे, गांधी जी ने उसको ही फोकस मिला दिया, जिससे कि हिंदू समाज के भीतर ग्लानि पैदा हो, और फिर गांधी के सारे उत्तराधिकारी उसी को बढ़ाते रहे। तो हिंदुओं में ग्लानि फैलाई, हिंदू समाज में ग्लानि फैलाई, और इसके कारण राष्ट्र की एक काल्पनिक भावना फैला दी। हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत राष्ट्र राष्ट्र माने, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की कोई अपनी संस्कृति होती है, शास्त्र होते हैं, परंपरा होती है, उसकी चर्चा ही नहीं है। राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, भारत माता की जय, राष्ट्र। और भारत माता की जय के नाम पे क्या बताया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई लीजिए। यानी जो भारत माता को नष्ट करने कहता है, जो कहता है कि भारत माता डायन है, भारत माता को हम नहीं प्रणाम करेंगे, उसको सगा भाई कह रहे हैं और भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। राष्ट्र की कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो धर्म है, शास्त्र है, ज्ञान है, उसको शिक्षा से बाहर कर दिया और कहने लगे कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो झूठ बोला और हवाई बातें की, राष्ट्र की बातें की। आज तक भारत की किसी पार्टी ने एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं लिखा है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी है, कोई ऐसा पुस्तिका बुकलेट तक नहीं लिखी है, जिससे पता चले कि राष्ट्र से उसका क्या आशय है। गुरु गोलवलकर ने लिखा था वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड, बहुत अच्छी एक निबंध जैसा था, उसको आरएसएस ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं मानते, अब उससे किनारे हो गए। तो राष्ट्र तो राष्ट्र केवल नारा है, स्लोगन है, राष्ट्र से इनका क्या आशय है? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हिंदुत्व जिसे कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसका तो आधार ही समाप्त कर दिया, उसकी विद्या समाप्त कर दी, उसका ज्ञान समाप्त कर दिया। उसमें जो वास्तविक गुण थे हिंदुओं के, क्या गुण थे? ज्ञान की साधना, ब्रह्म तेज, वीरता, शौर्य की साधना। संसार का सबसे अधिक योद्धा समाज है हिंदू। अंग्रेजों को, फ्रेंच लोगों को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, महायुद्ध में हिंदुओं ने बचाया। इतने योद्धा राष्ट्र को शांतिवादी बता दिया। अरे शांति तो दूसरी बात होती है, शांति एक अलग स्तर की चीज है। हिंदू निश्चय ही शांति का साधक है, आपस में प्रेम से मिलकर रहना, इसको शांति कहते हैं। राक्षस के साथ, आताई के साथ, दुष्ट के साथ, हत्यारे के साथ दब के रहना, इसको शांति संसार में कहीं नहीं कहते। तो यहाँ इसी को शांति बताया। और राष्ट्र की काल्पनिक भावना कर दी, विद्या का विलोप, शौर्य का विलोप, ज्ञान का विलोप। जो हिंदुओं के वास्तविक गुण हैं, शौर्य, तेजस्विता, व्यापार की कुशलता, व्यापार की कुशलता को छीन के आईएएस लोग व्यापारिक मिशन में जाने लगे और वो व्यापार के सौदे करने लगे। क्यों? इसलिए कि शासकों के इशारे पर सौदेबाजी हो। शुद्ध व्यापार से जो मुनाफा होता है, जिसमें भारत संसार में सबसे होशियार लोगों, भारत के व्यापारी संसार के सबसे बुद्धिमान व्यापारी थे, उन व्यापारियों को किनारे ठेल दिया और आईएएस वगैरह जो हैं वो शिष्टमंडल में जाने लगे, रिप्रेजेंटेशन में, और वो सौदा करने लगे व्यापार का। उनको तो व्यापार का पता ही नहीं था, और उसमें शासक पार्टी के इशारे से वो, जिससे शासक पार्टी को धन मिले, लाभ मिले, और देश का माल, देश की वस्तुएं, देश का उत्पादन सस्ते दामों में जाए, इस प्रकार विनिमय के स्तर पर भारत का धन जितना अंग्रेज 90 वर्ष में नहीं ले गए थे, उससे ज्यादा भारत का धन विदेशों को व्यापारिक विनिमय की गलत शर्तों के कारण दे दिया गया। इस तरह देश को खोखला किया, हिंदू समाज को खोखला किया, और ये हो गए अपरिचित पदावली चला दी, ऐसी भाषा जो कि कुछ कोई जानता ही नहीं है, ये हुआ। ऐसे में स्वतंत्र भारत में हिंदू धर्म शक्तिहीन होना ही था, क्योंकि हिंदू धर्म शक्तिहीन, हिंदू धर्म शक्तिशाली कैसे होगा? विद्या से होगा, तो विद्या का आपने विलोप कर दिया। ज्ञान से होगा, ज्ञान को छिपा दिया। वीरता से होगा, वीरता प्रतिबंधित कर दी। गुणों से होगा, उन गुणों को वीर, शौर्य और संसार की अधिक जानकारी, खुला व्यापार, ये सब जो गुण थे इसको आपने छिपा दिया। जो उदात्त गुण थे, आपस में प्रेम से रहने की, उदारता की, दान की परंपरा थी, उसको हटा के ग्लानि पैदा कर दी। तो जब आपने हिंदू समाज में ग्लानि पैदा कर दी,
इसके सारे गुणों को छिपा लिया, इसकी विद्या को छिपा लिया, इसके ज्ञान को छिपा लिया, झूठा प्रचार सरकारी मीडिया और संचार साधनों से और साथ ही सरकार के द्वारा पोषित संचार साधनों से हिंदू धर्म के विरुद्ध केवल घृणा और निंदा फैला दी तो धर्म कमजोर हो नहीं था, तो कैसे कमजोर हुआ है? हिंदू धर्म राजनीति में मात खा गया, समाज में अभी भी धर्म भावना है लेकिन राजनीति में मात खा गया है। तो इसमें फिर प्रश्न उठता है कि क्या हिंदुओं में धर्म की प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है? नहीं, बहुत आकांक्षा है। हिंदू धर्म जो है अभी भी भारत में एक से एक संप्रदायों के आचार्य हैं, एक से एक विद्वान हैं, वो हिंदुओं हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि क्या हिंदुओं में धर्म की प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं है, ये एक भ्रामक प्रश्न है। कैसे भ्रामक प्रश्न है? ये ऐसे भ्रामक है कि हिंदू को यहाँ एक बता दिया। संसार का कोई समाज, बड़ा समाज, 100 करोड़ का समाज इकहरा नहीं होता। सतयुग में भी नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में भी नहीं था, तो इस कलयुग में कैसे होगा भाई? उस समय भी कभी हिरणाक्ष था, हिरण्यकश्यप था, रावण था, कंस था, समाज तो एक कभी होता ही नहीं। समाज में सदा शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, उचित और अनुचित होता है। तो हिंदुओं को एक बताना यानी धर्मनिष्ठ हिंदू और अधर्मी हिंदू को एक बताना, सदाचारी हिंदू और दुराचारी हिंदू को एक बताना, संयमी हिंदू और व्यभिचारी हिंदू को एक बताना, और व्यभिचारी हिंदुओं के आचरण को संयमी सदाचारी धर्मनिष्ठ हिंदुओं के ऊपर, देखो देखो तुम तो हिंदू हो कैसे कर रहे हो, अरे भाई वो पापी है। ये तो ऐसा ही है कि कल को कोई रावण जब सीता जी को ले गया तो लोग राम से कहते, भगवान राम से, कि देखो देखो तुम कैसे सनातन धर्मी हो, वो भी तो वेदों की बात करता है, वैदिक धर्म को मानता, तुम्हारे वैदिक धर्म में तो लोग लड़कियां उठा ले जाते हैं, बहुएं उठा ले जाते हैं। या कृष्ण से, भगवान कृष्ण से लोग कहते हैं कि अरे अरे देखो तुम्हारा मामा जो है वो तो हत्याएं करता है बच्चों की और अत्याचार करता है, तो तुम्हारा यादव कुल तो बड़ा खतरनाक है और यदुवंशी क्षत्रिय तो ऐसे ही होते हैं और ये तो अत्याचारी और बच्चों के हत्यारे होते हैं। इस तरह की बातें की जाती हैं। पापी हिंदू के पाप को धर्मनिष्ठ और सदाचारी हिंदुओं पर लाद दिया। तो इसलिए ये कहना कि हिंदुओं में धर्म की आकांक्षा नहीं है, ये प्रश्न ही भ्रामक है। धर्मनिष्ठ हिंदुओं में धर्म की आकांक्षा है, पापिष्ठ हिंदुओं में पाप की आकांक्षा है, सदाचारी हिंदुओं में सदाचार की आकांक्षा है, दुराचारी हिंदुओं में दुराचार की आकांक्षा है। तो ये जानना चाहिए, कम से कम तीन प्रकार के हिंदू हैं। धर्मनिष्ठ हिंदू जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, उनमें प्रचंड आकांक्षा है। और अधर्मनिष्ठ हिंदू जो कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं, कोई मार्क्सवादी है, कोई राष्ट्रवादी बनता है, लेकिन वो भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के शास्त्र, भारत के धर्म, भारत के पुराण, भारत के देवी देवता, भारत की मूर्तियां, भारत के संस्कार, इनको बीते दौर की पिछड़ी चीजें बताता है। तो वो कौन है? अधर्मनिष्ठ हिंदू, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, वो सब जो किसी आइडियोलॉजी को मानते हैं वो कौन है? अधर्मनिष्ठ हिंदू है। और तीसरे हैं प्रमत्त हिंदू, जो अपना मदिरा और मांसादी खाना, उत्पटांग भोजन और मस्त रहना, हमें कोई मतलब नहीं है, राज्य कैसा भी हो बस हमारे भ्रष्टाचार और दुराचार और अनाचार के लिए छूट होनी चाहिए, हम तो सोएंगे, खाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे, देश समाज से क्या मतलब है। तो ये धर्मनिष्ठ हिंदू, अधर्मनिष्ठ हिंदू और प्रमत्त हिंदू, इन तीनों को हिंदू कह देना छल है। धर्मनिष्ठ हिंदू सनातन धर्म की प्रतिष्ठा चाहता है लेकिन वो राज्य का महत्व तो भूल गया है। ऐसा है कि धर्मनिष्ठ हिंदुओं का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो राज्य के महत्व को बताए, जबकि हमारे सभी शास्त्रों में राज्य का बहुत महत्व है। लेकिन इस समय भारत में कोई भी धर्म के आचार्य जो हैं वो जानते तो हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पर वो कुछ भयवश, कुछ राज्यकर्ताओं के उद्दंडता और अनाचार वश, क्योंकि ये जो मॉडर्न स्टेट है ये हिंदू स्टेट तो है नहीं, ये तो क्रिश्चियन स्टेट से प्रेरित होकर बना एक तरह का पैशाचिक तंत्र है। तो अगर आपने राज्य की आलोचना कर दी तो वो आप पे झूठे आरोप लगा दें, कुछ भी कर दें। इसलिए संप्रदायों के आचार्य, धर्म के आचार्य थोड़ा सहमे रहते हैं, सोच सोच के बोलते हैं, तो वो राज्य के विषय में कोई जागृति नहीं फैलाते, राज्य का महत्व विस्मृत है। और
हमारे जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो संसार का ब्रह्मांड का इतना ज्ञान रखते हैं, उनमें राज्य की आकांक्षा भी नहीं है। स्वाभाविक है कि उनके लिए तो राज्य छोटी चीज है, उनके लिए सदाचार। लेकिन उनके अनुयायियों में काल प्रवाहवश कोई राजनीतिक योग्यता, राजनीतिक सामर्थ्य और राजनीतिक आकांक्षा वाले लोग किसी कारण नहीं हो रहे हैं। कभी भी हो जाएंगे और बुद्धिमत्ता से चलेंगे तो हिंदुओं में अभी भी धर्म की आकांक्षा जागृत है, प्रदीप्त है। हिंदू मुख्यतः सनातन धर्म की आकांक्षा से भरा हुआ समाज है, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि सदा कमजोर रहेगा। लेकिन हाँ, 77 वर्षों से स्वतंत्र भारत में हिंदू धर्म को शक्तिहीन बनाया गया। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, राज्यकर्ताओं ने। राज्य ने शिक्षा और संचार माध्यम के द्वारा धर्म के विरुद्ध और मजहब और रिलीजन के पक्ष में और अधर्म के पक्ष में शिक्षा फैलाई, संचार माध्यम के द्वारा प्रचार किया, विज्ञापनों के द्वारा बाजार में अनाचार और दुराचार के पक्ष में हवा बनाई। इसलिए अभी धर्म शक्तिहीन दिखता है, लेकिन संस्कार के स्तर पर सनातन धर्म जागृत है। तो इसलिए इतना अत्याचार हुआ, जैसे सोवियत संघ में जो अत्याचार हुआ था, दूसरे ढंग से भारत में अत्याचार हुआ, फिर भी अभी बचे हैं। अभी भी हिंदू धर्म संस्कार के स्तर पर बहुत है। तो इसका श्रेय किसको है? धर्मनिष्ठ हिंदुओं को है। तो उनको भूले नहीं हम लोग। धर्मनिष्ठ हिंदू 77 वर्षों के अनाचारी और अधर्मी राज्य के बावजूद बचे हुए हैं, बड़ी संख्या में बचे हैं। इन्हीं धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने मोदी जी को शासन में लाने की पहल की है। तो ये धर्मनिष्ठ हिंदू मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा में पार्टी वाले उतनी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू समाज धीरे धीरे जागेगा और फिर से धर्म प्रतिष्ठित होगा। जी, एक्चुअली आदित्य जी, कोई और प्रश्न? एक्चुअली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जी, कि हिंदू, जैसे हिंदू धर्म के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जैसे जब कंफ्यूज किया जाता है, हिंदू धर्म को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। जैसे कि जो हमारे जो सो कॉल्ड प्रचारक हैं, या तो वो एक्चुअली फोन कट गया उधर से, सो कॉल्ड, हाँ, जो हमारे जो प्रचारक हैं, मोस्ट ऑफ द प्रचारक, जो सनातन धर्म को बहुत मुश्किल बना देते हैं लोगों के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, गीता से सरल कोई पुस्तक नहीं है, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है भगवद्गीता, लेकिन उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत ही कठिन है, तुम पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ऐसा बोला जाता है। तो सिर्फ सरकार का ही या पॉलिटिकल पार्टी का ही कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी जो सनातन धर्म है वो एजुकेशन पे आधारित है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, उसमें आपने ऑलरेडी बता दिया क्यों नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन जो हिंदू समाज है, जैसे सजग लोग हैं हम, जैसे हम लोग भी सनातन, हम लोग जो इतने सारे कोर्सेज रन करते हैं सतोलॉजी से, जब मैं बोलता हूँ पहली लाइन की गीता से सबसे सरल कोई, गीता से ज्यादा सरल कोई पुस्तक नहीं है, तो लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने, क्योंकि जो जनरल समाज में सिखाया गया है कि गीता बहुत कठिन है और गीता आप समझ नहीं सकते। तो ये एक तरीके से हमारे टीचर्स का भी फॉल्ट है, जो गीता को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। नहीं, टीचर्स का फॉल्ट एक अर्थ में तो है, लेकिन वही तो मैंने कहा ना, प्रमाद फैलाया गया ना। टीचर शिक्षा जो है भारत में कभी भी सरकार से कंट्रोल नहीं थी, तो इन्होंने एजुकेशन को स्टेट से कंट्रोल कर लिया। अगर आप स्टेट के पैरेलल चलाते हैं तो उसकी आखिर जो सर्वसाधारण है वो शिक्षा इसलिए देता है कि बच्चे को प्रतिष्ठा मिले समाज में, लेकिन जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वो तो स्टेट से कंट्रोल्ड है। अगर आपने मान लीजिए गुरुकुल, आप अमेरिका में हैं, वहां आपको सुविधा है तो आप गीता पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप भारत में गीता पढ़ाएं तो इतने लोग भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साधन, आप सरकारें जो हैं, खासतौर से कोई भी पार्टी, वो कोशिश करेगी कि आपको बाधित करे। भारत की सभी पार्टियां भारत की ज्ञान परंपरा की विरोधी हैं और उसको बाधित करती हैं। फिर भी आपकी बात अपनी जगह सही है कि भाई हमारे शास्त्र तो सबसे सरल हैं और योग्य लोगों के द्वारा, संस्कारी लोगों के द्वारा, सदाचारी लोगों के द्वारा सहज ही समझे जा सकते हैं। तो उनको समझाने में भी थोड़ा प्रमाद तो हुआ है। हो सकता है वो शासन के भय से हुआ हो सकता है अपने ही आदर्श और प्रमाद से हुआ हो, लेकिन आखिर बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य हैं, वो भी काम तो कर ही रहे हैं।
तो आएगा, मौका आएगा तो फिर करेंगे, लेकिन अपनी जगह ये सही है कि ज्ञान का जितना प्रसार चाहिए वो नहीं हुआ किसी कारण, विशेषकर अपरा विद्याओं के ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ, वो सही है। सो थैंक यू वेरी मच। एक मेरा पॉइंट है, दर्शकों को बोलूंगा इस पे कि हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें, ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस कोर्स कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, इंडिविजुअल्स के लिए भी है, और हमारा डेली जपा कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स है और योग सूत्र कोर्स है और एक यूरोपियन हिस्ट्री पे कोर्स है, वो अभी लॉन्च हो रहा है। सो वी हैव 5 कोर्सेज विच आर रनिंग, तो आप उसके नहीं, लेकिन एक बात और याद है जिस पे चर्चा अपन ने नहीं की, एक बात और चर्चा करने की है कि ये जो आए दिन हिंदुओं को कोई भी एक पागल अपने आप को मुसलमान कह के मार देता है, हत्या कर देता है, लूटपाट करता है, उसको उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए मुख्यतः शासन जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि अगर कोई मेरे साथ अत्याचार करता है तो मैं उसका अगर सीधे उत्तर दूं तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे प्राणों में जान में आपत्ति, नहीं तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा चल जाएगा। यानी अत्याचारी और अत्याचार से पीड़ित दोनों को समान कानूनी संरक्षण दिया गया है, जो बहुत बड़ा पाप है। अगर मुझे कोई गाली मार के जाता है तो मैं उसको मार नहीं सकता, अगर मारूंगा तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि इसने पहले मारा था। अब ये इतनी कठिन बात है, अत्याचार का विरोध करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार होना चाहिए, वो वही हमारे यहाँ तो कहा है आत्तायिनम आयान्तम हन्यादेव अभिचारयन्, अगर कोई हमारा घर जलाने आता है तो हमको उसको उसी समय मार देना चाहिए, ये अधिकार। लेकिन एक समस्या यह है कि हिंदुओं का कोई संगठन नहीं है जो ये अधिकार दे, और हिंदुओं का कोई संगठन नहीं है जो इसकी मांग करे। जैसे अभी बदायूं में 2 बच्चों को बिना किसी अपराध के एक कमीने कुत्ते ने, 2 लोगों ने मार दिया। अब कायदे से ऐसा हिंदू संगठन होना चाहिए जो उसी समय दौड़ पड़े और उनका घर जला दे, उनको आग लगा दे, नष्ट कर दे। तो आधा तो सरकार से डरते हैं, और सरकार से भी डरते हैं इसलिए कि बहुत बल नहीं है, नहीं तो कम से कम मांग तो कर सकते हैं। अभी तक किसी मेरे एक व्यक्ति के रूप में मैंने मांग की है, और भारत में किसी ने मांग ही नहीं की है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा में आतताइयों के घर जलाने का अधिकार मिलना चाहिए, आतताइयों की हत्या का अधिकार मिलना चाहिए। इसकी मांग तो करो, मांग भी करोगे तो वो डरेंगे, कोई मांग नहीं करता। बड़े बड़े संगठन बने हैं, वो कहते हैं हम हिंदू की रक्षा के लिए हैं, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। अरे तुम तो हथियारों के विरोध में हवा नहीं बना सकते, उसमें भी ऐसा सोचते हो कि हवा बना के हम अपना सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर लें। आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में क्षोभ नहीं है, आपके मन में तड़प नहीं है। उसी समय उन 2 लोगों के घर जला दिए जाने चाहिए, घर फूंक दिए जाने चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस ने एक झूठा अभियोग लगा के कि गांधी जी की जो हत्या हुई उसके लिए वातावरण बनाने में RSS की भूमिका, यानी वो कभी ये सिद्ध नहीं कर पाए कि RSS ने हत्या की है, लेकिन कह दिया तुम जो गांधी जी की जो गलतियां हैं उनके खिलाफ बोलते हो इसलिए तुम जिम्मेदार हो, और 1 साल उन पे पाबंदी लगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कह सकती है कि जो भी भारत में भारत के मुख्य समाज हिंदू समाज के विरुद्ध कहीं भी भाषण देते हो, कुछ भी गतिविधि करते हो, उन सब पर पाबंदी लगेगी। तो ये तो प्रतिबंध, उन्होंने तो RSS पर पाबंदी लगा दी। आप तो हिंदुओं की हत्या करने का विचार होता है जिन मदरसों में, जिन मजलिसों में, जिन सभाओं में, उनका रिकॉर्ड तो सरकार के पास सब है, उसमें पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते? तो न तो कोई हिंदुओं की पार्टी है, न कोई हिंदुओं का संगठन है। तो सोचना चाहिए, हिंदुओं को अपने संगठन बनाने चाहिए, ये मांग करें कि जो हमारे बच्चों के साथ ऐसी निर्दयता करेगा उसको जिंदा जला देने का हमें अधिकार है, उसकी बस्तियां जला देने का हमें अधिकार है, उसके समूल वंशनाश का हमें अधिकार है। अरे मांग तो करो भाई, कानून भी बन जाएगा। तो कोई हिंदुओं का तेजस्वी संगठन नहीं है जो हिंदुओं के पक्ष में बोलता भी हो, ये बड़े लज्जा की बात, उसमें भी अपनी दुकान चलाने की फिराक में रहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी वायलेंस होते हैं वो सेक्युलर हिंदूज के लिए होते हैं, सेक्युलर जो अपने आप को बोलते हैं हम बड़े दोस्त हैं क्रिमिनल्स के, कभी कभी ये क्रिमिनल्स जो होते हैं जो दूसरे पंथ, नहीं ऐसा नहीं है, रिलीजियस के भी होते हैं, रिलीजियस के भी होते हैं, ऐसा नहीं, उसको जस्टिफाई मत करिए। अकारण बड़े धार्मिक लोगों की भी हत्या मुसलमानों ने बहुत ज्यादा की है। सदानंद को मारा, सदानंद को मारा, दयानंद को जहर दिया, कोई भी सेक्युलर नहीं है, सब रिलीजियस थे।
बट जो आप जो भी जो आप जो भी मॉडर्न इंसिडेंट देख रहे हैं आप ठीक से वेरीफाई करेंगे, पिछले 5 केसेस आप देखिए, 5 केसेस में ये सभी लोग अच्छी तरह घर के अंदर घुस सकते थे, सभी जान पहचान के लोग थे सारे के सारे। एक नहीं तो वो थोड़ा उदार हैं, मूर्ख हैं, प्रमत्त हैं, प्रमत्त हिंदू कहेंगे उनको, वो सेकुलर नहीं है, वो सब साधारण धार्मिक लोग हैं लेकिन प्रमत्त हैं, उनके प्रमाद के लिए भी शासन दोषी है। सारे नेता दिन रात, अभी कुछ दिन पहले मोहन राव भागवत ने कहा कि हमारा उनका DNA एक है। अब मोहन राव तो सेकुलर नहीं है, अगर RSS के चीफ ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का DNA एक है तो जो RSS से प्रभावित है वो क्या करेगा, वो तो मुसलमान से दोस्ती करेगा ही। अब RSS तो सेकुलर संस्था नहीं है, धर्मनिष्ठ संस्था थी, धर्मनिष्ठ संगठन का चीफ ये कहता है, तो हमारे धार्मिक लोग ही ऐसी गंदी बातें करते हैं, सब एक है। कायदे से हिंदुओं को मांग करना चाहिए कि भारत के मुसलमानों के साथ हिंदू किसी भी तरह साथ नहीं रहेगा, अलग बस्तियां बनाई जाएं। हमारे यहाँ सऊदी अरब का मुसलमान, हम सऊदी अरब के मुसलमान के साथ रह सकते हैं प्रेम से। हम धार्मिक का तो अर्थ होता है वेदों के अनुसार, क्या RSS मानता है कि वेदों के अनुसार कोई धर्म माना जाता है? नहीं नहीं, RSS नहीं मानता, उस अर्थ में धार्मिक नहीं है, पर अपने को धार्मिक कहता है। नहीं, कायदे से हिंदू संगठनों को मांग करनी चाहिए कि जिस तरह से मुसलमानों के विचार सामने आ रहे हैं, मुसलमानों की बस्तियां हर शहर में अलग बनाई जाएं। हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, इन पे भरोसा नहीं है, ये हमारे खाने में थूक देते हैं, ये जहर मिलाते हैं, ये घर में अपराध और हत्याएं करते हैं। हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व असंभव है, खासतौर से जो भारत का मुसलमान है उसके साथ भारत का हिंदू नहीं रह सकता। हम सऊदी अरब के मुसलमान के साथ रह सकते हैं, हम कतर और दुबई के मुसलमान के साथ रह सकते हैं, लेकिन जो भारतीय मुसलमान है हम उनके साथ नहीं रहेंगे, ये मांग करनी चाहिए। मुसलमानों की अलग बस्तियां हो, एकदम अलग, हर शहर में मुस्लिम बस्ती रहे, उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा रहे, इनको संदिग्ध नागरिक मानना चाहिए, ये कभी भी हत्या कर सकते हैं, कभी भी अत्याचार कर सकते हैं। ये सब कहना तो चाहिए किसी संगठन को, जब आप कहेंगे तो किसी दिन शासन दबाव होकर कानून भी बनाएगा, कोई संगठन ही नहीं है जो ये सब कहता हो। हिंदुओं के साथ मुसलमान रहना ही नहीं चाहते, वो उनको मार डालना चाहते हैं, वो दिन में 5 बार कहते हैं ला इलाही इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह, मतलब हमारा आराध्य ही सर्वोपरि है, तुम्हारा आराध्य झूठा है। क्रिश्चियन भी कहते हैं तुम्हारे गॉड्स फाल्स हैं, तो क्रिश्चियन और मुसलमानों की बस्तियां अलग होनी चाहिए। जो हमारे देवी देवताओं को झूठा कहे, जो हमारे धर्म को झूठा कहे, जो हमारे धर्म का नाश करना चाहे, बदल डालना चाहे, उसके साथ हम नहीं रह सकते। हिंदू संगठनों को ये बात कहनी चाहिए, मुसलमान और ईसाई बस्तियां हर शहर में अलग हों, उनसे हमारा खान पान रहन सहन का कोई रिश्ता नहीं, वो नागरिक के नाते ऑफिस में जाएं, लेकिन दैनिक जीवन में मुसलमान और ईसाई से हिंदू का मिलन नहीं होना चाहिए, ये मांग तो कोई करे। चलिए, आज हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन किया, लोगों को काफी पता भी नॉलेज मिली होगी, एंड विद दैट वी विल एंड दिस शो, बट थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी फॉर कमिंग ऑन द शो एंड स्पीकिंग ओपनली ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि ये इस टॉपिक पे बहुत ही कम लोगों ने बात किया है और इतने खुलेपन से आपने बात किया है, और एक्चुअली आप रिप्रेजेंट करते हैं मेजोरिटी ऑफ हिंदूज को हु फील थ्रेटन्ड, है ना, हु फील थ्रेटन्ड एंड हु कैन नॉट स्पीक एज एलोक्वेंटली। So thank you all very much and thank you for all the view. Do like, share, subscribe, feedback जरूर दीजिएगा। Namaste. Jai Jagannath. Jai Jagannath.